और अब बात कोरोना के बढ़ते खतरे की, क्योंकि देश में कोरोना के नए केसेस में अभी कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1414 नए केस आए हैं और दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 5.97%। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कल राहत भरी खबर आई है। 27 अप्रैल से देश में लगातार 5 दिन तक कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन कल ये आंकड़ा 2500 के आसपास ही रहा। कल 24 घंटे में देश में कोरोना के 2568 नए केस मिले हैं, वहीं 20 लोगों की मौत हो गई। 5 दिनों बाद कोरोना मामले में थोड़ी कमी हुई है। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है। एक्टिव केस घटकर 19,137 हो गए हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में कल कोरोना के 1414 मामले सामने आए, जबकि कोरोना के एक मरीज की मौत हो गई। राजधानी में 24 घंटे में 1171 मरीज स्वस्थ हुए। फिलहाल यहां कोरोना के कुल 5986 मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 5.97% हो गई है। देश में हर रोज मिलने वाले कोरोना संक्रमितों में करीब आधे दिल्ली में ही हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के नए केस में उछाल दिल्ली में नई लहर के संकेत नहीं है। IMA के राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा है कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट नहीं बढ़ा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।